इस पूरे समुदाय के साथ, क्योंकि अगर अगर खनन माफिया यहाँ पे खनन कर सकती है तो जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनका अधिकार है पट्टों पे, जिनका अधिकार है इस जमीन पे, जिनका अधिकार है इस नदी पे, वो क्यों नहीं कर सकते? ये मेरा सवाल है सरकार के लिए। और हाँ, आज बनवा रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, 15 दिन हो गए जब से प्रशासन ने खुद तोड़वाए हैं, तो आ जाने का क्या मतलब है? इनको पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। जो जो नाव टूटी है और जिस तरह से महिलाओं को टूटा है, जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया गया है यहाँ, उस मैं आवाज को लगातार उठाती रहूंगी, क्योंकि इनका इनका इन पट्टों पर इनका अधिकार है और इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। संघर्ष करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो दिलवाएंगे, लेकिन तब तक संघर्ष करेंगे। मैं आपकी तरह महिला हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि आपकी पीड़ा कैसी है। अगर आपको यहाँ पे मारा पीटा गया है तो शर्म आनी चाहिए प्रशासन पे को और शासन को, और अगर यूपी पुलिस ने आपको मारा पीटा है तो उनको भी सोचना चाहिए। आपकी नाव तोड़ी है, इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पूरी तरह से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। ये जो आपकी बरादरी है, आपने बहुत मदद की है इस सरकार की, जब इनका आपके वोट से ये सरकार आई है, लेकिन भूल गए हैं। और बार बार मैं ये कहती हूँ कि जो नेता है जब वो भूल जाता है कि उसको सत्ता किसने दी है, तो वो भटकने लगता है। इनको समझ में नहीं आया है कि बनाने वाले आप हैं, आपने इनको सत्ता दी है, इनको आपके लिए काम करना चाहिए। जो व्यवसाय है जिसे सिर्फ यही है, आप लोग इसी मिट्टी के हैं ना, हमारे पास खेती है ना, कोई अन्य व्यवसाय है, वहाँ जाना हमारा कुछ पहले ही घूम रहा है। अगर ये चला गया तो हम एकदम से पीछे चले जाएंगे, फिर आगे नहीं निकल सकते। किसान समाज को कुछ नहीं कि पढ़ पाए ना आगे पढ़ पाए। दीदी इन्होंने हमारे नामों को फरमाया है, ये समझ लीजिए कि बीजेपी की सरकार में सबसे निंदनीय कार्य है। जिस नाव की हम लोग पूजा करते हैं, हम लोगों के इतिहास को, जिस नाव में हम लोग चाहते हैं, उस नाव में हम लोग चाहते हैं, उस नाव को उन्होंने तोड़ दिया, जिंदगी हम लोग वहाँ डट गए, वहाँ बैठी रही, नहीं हट रही थी। इन्होंने इससे लाठी चाहिए, जितने महिलाएं थी इन्होंने सबको पीटा बुरी तरह। हमारा कहना, हम भी हमारा कहना ये, वो मम्मी लोग लगी है, मम्मी कहाँ है, वो आगे बैठी है, किधर है ना, आगे बढ़ा सकती है, निकाल सकते हैं। तो फिर जैसे पहले इनको इनका अधिकार था नदी पर, नाले पर, मिट्टी पर, जमीन पर, लेकिन अब इस सरकार ने इसको निरस्त कर दिया।